वाह यार वाह, क्या ठंडी हवा है यार, कितना प्यारा जुगाड़ू एसी बनाया है मैंने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पड़ा है एक मिनी एसी। तो गाइस मैं तो काफ़ी देर का हवा ले रहा हूं, तो अभी इसको आपकी तरफ कर देता हूं ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस इसकी जो हवा है वाकई बहुत ही ज़्यादा ठंडी, और इसका जो है ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो गाइस आप इसको बिल्कुल घर में बना सकते हैं, घर में तैयार कर सकते हैं, और इसको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा इसको बाद आप उसी तरह बनाते जाइएगा और आपका ये जुगाड़ू एसी तैयार हो जाएगा, और इस गर्मी के मौसम में आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस इतना मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, आप जाएँ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और बेल आइकन को मत दबाना भूलना, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो आपको और एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल, और वीडियो को कर दो लाइक। यार वीडियो को करोगे लाइक तभी तो मैं बनाना शुरू करूँगा। हाँ हाँ जल्दी 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 वीडियो को लाइक करो। कर दिया, अगर नहीं किया तो जल्दी कर लो। अच्छा कर दिया, चलो भाई अब चलते हैं इसको बनाते हैं। तो गाइज मिनी एसी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है, क्योंकि बॉडी आप किसी भी एक्रेलिक शीट की बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ किया है। और सेकंड चीज़ आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस मिनी रेडिएटर की। आप देख सकते हैं कि रेडिएटर बहुत ही कमाल का है और बिल्कुल कम्पैक्ट साइज़ में और बेहतरीन जो है वर्किंग करता है। और तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है हमारे पास वो है ये पंखा, जो कि मेरे पास है 12 वोल्ट 0.85 एम्पेयर में। ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक आता है, 2.5 एम्पेयर जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी और उसका बहुत ही ज़्यादा शोर था, लेकिन जो ये 0.85 एम्पेयर वाला ये बेहतरीन है, ये आपको किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान से मिल जाएगा, 100-150 का मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो गाइज अभी शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले अपनी बॉडी तैयार कर लेते हैं। बॉडी तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर मार्किंग की हुई और कटिंग भी की हुई है, तो अभी इसको बॉडी को कट कर लेते हैं अपनी। तो गाइस यहाँ पर बेहतरीन फिनिश हो चुकी है मेरी, जो है ये कार्डबोर्ड की शीटें हैं जिनकी वजह से हमारा जो बॉक्स बनने वाला है, तो इसको अभी जोड़ के बॉक्स की शक्ल दे लेते हैं और फिर इसके अंदर फिटिंग करेंगे हम अपने रेडिएटर और फैन की। गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो है बॉक्स बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो चारों साइडें थी हमारी बेहतरीन किस्म की रेडी हो चुकी हैं, और बस अब जो काम रह चुका है इसमें थोड़ा सा ये रह चुका है कि इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे, वो हम करेंगे एंड में। और अभी जो है हम जो हमारा काम मेन रह चुका है वो कर लेते हैं। इसके हमने फ्रंट चीज़ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है फ़ैन किस तरह फिट होगा। तो गाइज बेहतरीन है, जो हमारी फिटिंग आने वाली है वो बिल्कुल बेहतरीन आने वाली है। इस साइड पे ऐसे फैन फिट होगा और हमारा जो रेडिएटर भी है वो भी इसी तरह ही फिट होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो रेडिएटर वो बेहतरीन फिट कर दिया। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन जो है रेडिएटर फिक्स हो गया हमारा। तो अब वक्त आ चुका है पंखे को फिट करने की, अपने फैन को फिट करने की। तो गाइस मैंने फैन को फिट करने के लिए सिंपली जो तकोन काटी हुई है लकड़ी की, कार्डबोर्ड की, आप देख सकते हैं ऐसे, ताकि जो है हमारा फैन जो है वो बेहतरीन जो है अंदर फिट हो सके और बेहतरीन वर्किंग कर सके। तो अभी इसको अंदर फिट कर लेते हैं इस तरह। तो गाइस यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फैन भी बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। तो अब वक्त आ चुका है इसको एक शेप देने का,
और इसकी जो फिनिशिंग भी है वो भी थोड़ी कर लेते हैं, और इसको अब शेप देने का वक्त आ चुका है, इसको कलर करने का वक्त आ चुका है, इसको पेंट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी फाइनल लुक किस तरह की बनती है। पर मेरा जो है मुकम्मल एसी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि हर चीज जो है अपनी जगह पे बेहतरीन फिट हो चुकी है, अपना टैंक भी हमारा रेडी है और जो पंप है वो भी बेहतरीन अंदर सिंक हो चुका है वाटर के अंदर, और अब वक्त आ चुका है इसको चलाने का और चेक करने का कि हमारा जो एसी है वो कितना कामयाब है। तो गाइस 3 2 1 गाइस देखा आपने कि बेहतरीन जो है हमारी जो है पंखा चल रहा है और बेहतरीन थ्रो कर रहा है, जो हमारा पानी है वो भी बेहतरीन जो है फ्लो में आ चुका है, रेडिएटर से जो है पानी वापस जा रहा है और इसी तरह रिसाइकल होता जाएगा ये सिस्टम। तो गाइस अभी जो है बेहतरीन ठंडी हवा देना शुरू हो गया ये, और अभी मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता नहीं चल सकेगा कि इसकी थ्रो क्या है और क्या नहीं, तो गाइस इसके लिए मैंने ये शॉपर का इस्तेमाल किया और आप लोगों को पता चलता रहेगा कि इसकी कितनी प्यारी थ्रो है। तो गाइस वाकई में बहुत ज़्यादा थ्रो है, और मतलब कि अभी इसको कुछ सेकंड ही हुए चले को और इसने ठंडी हवा भी देना शुरू कर दिया। तो गाइज अभी जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो रूम टेम्परेचर आ रहा है जी वो आ रहा है जी 29.7 जो है रूम टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास, और अभी चेक करते हैं कि इसके सामने अगर रखा जाए तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है हमारा डाउन होता है। अभी देख सकते हैं आप 30 या 29 पे था हमारा जो टेम्परेचर, तो वो डाउन होकर 26 तक आ चुका है, आप देख सकते हैं 26 के बाद 23 तक चला गया वो, 26 के बाद 23 के बाद 21 तक गाइस टेम्परेचर जो डाउन हो चुका है। इतनी जल्दी तो कोई आम एसी का भी टेम्परेचर जो डाउन नहीं होता, और ये बेहतरीन हमारा जो वर्क कर रहा है, और अगर इसको मजीद चलाएंगे तो इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो गाइस 19 तक आ चुका है, और जो मेरा हाथ है ना उसके आगे वो बेहतरीन ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने हाथ रखा हुआ है अपना सेंसर को जो रखा हुआ है ना पंखे के बिल्कुल आगे, तो मेरा हाथ जो है ना सही ठंडा हो चुका है, और जो है 18.7 तक आ जाएगा, मतलब ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये किस तरह मैकेनिज्म से चल रहा है, मतलब ये जो हमने रेडिएटर लगाया ना इसके अंदर बहुत ही ठंडा पानी मतलब हर सेकंड सर्कुलेट हो रहा है, और जो गर्म हवा है वो यहाँ से ये लेगा इन और जो है हमें आउट करेगा यहाँ से, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पंखे की आउट कितनी बेहतरीन मैंने बनाई है। और अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है पंखा बेहतरीन सक कर रहा है हवा को, आप देख सकते हैं कि मेरा जो अभी मैं दूर रखता हूँ तो ये अपने साथ ही चिपका लेता है छापरों को, और बेहतरीन जो है हमें हवा दे रहा है। तो गाइस ये जो है जुगाड़ू एसी आपको इस गर्मी के मौसम में बहुत ही काम देगा, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और इधर 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर होता है बाहर, आउटसाइड में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, हीट स्ट्रोक का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और हमारा जो बॉक्स है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो गाइस इस मंथ में जो है मतलब आगे 2 और महीने भी गर्मी के ही हैं, तो उसमें अगर आप ये अपना एसी बना लेते हैं घर में तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने तो बना लिया गाइस, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इसकी ठंडी हवा में, इतनी जल्दी तो एसी भी नहीं करता कूलिंग जितनी जल्दी ये करता, और इसका इतना बिल वगैरह भी नहीं है और इसका इतना खर्चा भी नहीं है। अगर आप 16 में भी अपना एसी चलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो भाई लाइक तो बनता है एक एसी के लिए, इतनी गर्मी में अगर एसी की हवा मिल जाए उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी फ़ायदेमंद साबित हुई है तो आप इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।